नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी, यूएई के भारत के एम्बेसडर डॉक्टर अहमद अल्बाना जी, उद्योग जगत के सभी रथी महारथी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्रिय साथियों, धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये सुनते ही कुछ जरा अटपटा लगता है, लेकिन ये कल्पना नहीं है, सच्चाई, अभूतपूर्व, अद्भुत। बधाई हो आपको। ये हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम भी अब कमर कस चुके हैं। आज हिमाचल कह रहा है, यस वी हैव अराइव्ड। इसलिए सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रीमान जयराम जी और उनकी टीम को, माँ ज्वाला जी के सानिध्य में इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी एक ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां कण कण में शक्ति का वास है, जहां आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। देवियों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने इस स्थान को दिव्यता भी दी है और प्राकृतिक संपन्नता का भरपूर आशीर्वाद भी दिया है। इस वातावरण में आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स का स्वागत करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। भाई और बहनों, पहले इस प्रकार के इन्वेस्टर समिट्स देश के कुछ ही राज्यों में हुआ करते थे। यहां अनेक ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने पहले की स्थितियों को भली भांति देखी है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है और इसकी एक गवाह यहां हिमाचल में हो रहे इस समिट भी है। अब राज्यों में बिजनेस को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई होड़, एक नई कंपटीशन, एक नई स्पर्धा शुरू हुई है। साथियों, कुछ दशक पहले हमारे देश में यह हालत थी कि कौन सा राज्य ज्यादा चैरिटी करेगा, कौन ज्यादा इंसेंटिव देगा, कोई टैक्स माफ करेगा, कोई बिजली का माफ करेगा, कोई जमीन सस्ते में देगा, ऐसे यही स्पर्धा चलती रहती थी। लेकिन अनुभव यही कहता है, इस तरह की स्पर्धा ने वो परिणाम नहीं दिए जैसे अपेक्षित थे। तब निवेशक भी इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सा राज्य ज्यादा से ज्यादा रियायत घोषित कर रहा है, इंसेंटिव देने वाला है। इस कारण इन्वेस्टर्स भी किसी राज्य में निवेश का निर्णय टालते रहते थे। उनको लगता है शायद कोई दूसरा राज्य ज्यादा कुछ दे देगा। उन्हें भी लगता था कि भाई 5% छूट क्यों ले, हो सकता है आगे 10% छूट मिल जाए। फिर लगता था हो सकता है आगे कोई 15% छूट दे देगा। लेकिन साथियों, मुझे संतोष है कि पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब राज्य सरकारें समझने लगी हैं कि रियायतों की स्पर्धा न राज्य का भला करती है
और न ही उद्योगों को आकर्षित कर पाती है, उद्योगों का भला भी नहीं कर पा सकती। साथियों, निवेशक के लिए यह आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इकोसिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। इन दिनों सरकारें इस इकोसिस्टम को बनाने की स्पर्धा में आगे आ रही है। राज्यों के बीच एक अच्छी तंदुरुस्त स्पर्धा आज नजर आ रही है। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में यह कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे, दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इसका लाभ राज्य को होगा, राज्य के लोगों को होगा, देशवासियों को होगा और हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, उद्योग जगत भी तो पारदर्शी और साफ सुथरी व्यवस्था को पसंद करता है। बेवजह के नियम कायदे सरकार का बहुत ज्यादा दखल कहीं ना कहीं उद्योगों के बढ़ने की रफ्तार को रोकता है। मुझे खुशी है, इसी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार भी कई नए इनिशिएटिव ले रही है, महत्वपूर्ण निर्णय कर रही है, सही दिशा में सरकार भी काम कर रही है। हिमाचल में सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था का निर्माण हो, लैंड अलॉटमेंट को ट्रांसपेरेंट किया जाना हो या सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पॉलिसी का गठन, इन कदमों ने यहां के फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बिजनेस फ्रेंडली भी बना दिया है। साथियों, यहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं। आप सभी उद्योग जगत के अन्य साथी इसे भी भली भांति समझते हैं कि जब कंपनी की अलग अलग यूनिट्स अच्छा रिजल्ट देती हैं, तो कंपनी का भी रिजल्ट अपने आप सुधर जाता है। इसलिए राज्यों में जब कुछ बेहतर होता है तो इसका सीधा प्रभाव देश के नतीजों पर भी पड़ता है। हिमाचल जैसे अनेक राज्यों में हो रहे बदलावों ने के कारण आज भारत की पहचान पहले से कहीं बेहतर बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर बनी है। साथियों, आज भारत में विकास की गाड़ी नई सोच, नई अप्रोच के साथ फोर व्हील्स पर चल रही है, चार पहियों पर चल रही है। एक व्हील सोसाइटी का जो एस्पायरिंग है, एक व्हील सरकार का जो नए भारत के लिए एनकरेजिंग है, एक व्हील इंडस्ट्री का जो डेयरिंग है, एक व्हील ज्ञान का जो शेयरिंग है। इस प्रकार से इन चार व्हील पे हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्वास्थ्य, स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है।
तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी बल दे रही है। आज जितना महत्व सर्विस डिलीवरी पर है उतना ही फोकस बिजनेस का माहौल सुधारने पर भी है। इसका भी नतीजा आपके सामने है। 2014 से 2019 के बीच भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार किया है। इस बार भी हम दुनिया के टॉप 10 परफॉर्मर में से एक हैं। हर साल हम एक नए पैरामीटर में तेजी से सुधार कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 में से 6 इंडिकेटर्स उसमें सुधार करने में सफलता पाई। इस बार इंसॉल्वेंसी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी जंप लगाई है। इस कैटेगरी में हमने 50 से ज्यादा रैंक का सुधार किया है। साथियों, ये रैंकिंग सुधरने का मतलब सिर्फ आंकड़ों का ऊपर नीचे जाना नहीं है, फिर बदल नहीं है। ये रैंकिंग सुधरने का मतलब है कि हमारी सरकार जमीन पर जाकर जमीन की जरूरतों को समझते हुए फैसले ले रही है, नीतियां बना रही है। यहां जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि कैसे पहले एक एक परमिशन के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, कितनी कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। साथियों, ये सिर्फ रैंकिंग में सुधार ही नहीं बल्कि भारत में बिजनेस करने के तरीके में एक रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। और इस रिवॉल्यूशन में साल दर साल हम नए आयाम जोड़ रहे हैं, नए सुधार कर रहे हैं। आज के ग्लोबल सिनेरियो में भारत अगर आज मजबूती से खड़ा है तो इसलिए क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कमजोर नहीं पड़ने दिए हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक में अपनी प्रतिबद्धता निरंतर बनाए रखी है और फिस्कल डिसिप्लिन का कड़ाई से पालन किया है। आज जब ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी करीब करीब 3% तक नीचे आ गई है, भारत 5% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये उम्मीद जता रही है कि भारत आने वाले महीनों में और तेजी से आगे बढ़ेगा। साथियों, हमारी नीयत नेक है और संवेदनशील भी है। हमारे फैसलों में मजबूती है और इरादों में भी उतनी ही मजबूती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जीएसटी कभी भारत में लागू होगा और हमने ये करके दिखाया। दिवालिया होने की स्थिति में देश की कंपनियों के पास कोई स्पष्ट एग्जिट रूट नहीं था। आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी न सिर्फ एक सच्चाई है बल्कि लाखों करोड़ की फंसी हुई राशि की वापसी का कारण बन रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म भी बरसों से अटका हुआ था, इस दिशा में भी तेजी के साथ, बुलंद हौसले के साथ हमारी ही सरकार आगे बढ़ी। कल ही हमने देश के मध्यम वर्ग के ध्यान में रखते हुए, शायद आज
स्थानीय अखबारों में एक खबर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, छूटपूट कुछ टीवी में नजर आ रहा है, लेकिन कल शाम को हमने कैबिनेट में मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों के अपने घर के सपनों को, उनके बरसों से अधूरे सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और इसी इरादे के साथ हुआ क्या, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया, किसी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ उन्होंने तय किया कि भाई 1 साल में मकान मिलेगा, 2 साल में मिल जाएगा। उसने भी 70-80% काम किया, 10%, 20%, 30% रह गया। न इसको मकान मिलता है, न वो किराया वाले मकान से बाहर निकल करके किराए से मुक्त होता है, न वो बैंक का ब्याज भर पा रहा है। मध्यम वर्ग का परिवार ऐसी चीजों में फंस गया, उससे बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कल हमने करके करीब 4.5 लाख परिवार, जिनके पैसे इन घरों में, आज घर मिलेगा कर मिलेगा इस इंतजार में पड़े हैं, और 2-2, 5-5, 7-7 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, उनको मुक्ति देने का एक बहुत बड़ा काम कल हमने किया है। और इसी इरादे के साथ अब हमने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार प्रक्रियाओं की डी बॉटलनेकिंग पर बल दे रही है, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रही है, टाइम लिमिट में फैसले ले रही है। हमारी कोशिश टैक्स रेजिम को कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की है। इस कड़ी में कॉरपोरेट टैक्स से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आज भारत दुनिया की सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्थाओं में से एक बन गया है। इस साल 1 अक्टूबर के बाद जो भी नई घरेलू कंपनियां खुली हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया है। साथियों, पिछले महीने ही ई असेसमेंट स्कीम लागू की जा चुकी है, यानी टैक्स सिस्टम में अब ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम किया जा रहा है। इससे अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी और टैक्स से जुड़े मामलों का भी तेजी से निपटारा होगा। साथियों, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है, ये लक्ष्य देश के हर राज्य के सहयोग से ही प्राप्त होगा। हमारे यहां पर हर राज्य में अनेक संभावनाएं हैं, राज्य के हर जिले में अनेक संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को जितना ज्यादा लाभ सरकारें